सो गाइस, आप में से जो लोग संडे स्पेशल वीडियो को वेट कर रहे थे वो लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही अमेजिंग है। कुछ फ्री अडॉप्शन डॉग्स भी आप लोगों को उसमें मिलने वाले हैं। तो वीडियो कुछ ही देर पहले मैंने पोस्ट कर दिया है, तो लिंक आप लोगों को ऊपर आई के बटन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हमारी आज की डॉग ब्रीड के बारे में, जो की काफी फेमस एंड काफी एक्टिव होते हैं, जो है पिटबुल। तो फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से मेरे पास पिटबुल के लिए काफी सारी इंक्वायरीज आ रही है। वैसे देखा जाए तो इतने सारे इंसिडेंट्स होने के बावजूद भी इस ब्रीड की जो पॉपुलरिटी है वो बिल्कुल कम नहीं होती। वैसे ब्रिंडल कलर के लिए भी काफी लोगों की कॉल्स आ चुकी हैं, तो जिन लोगों को ब्रिंडल कलर में पिटबुल परचेज करने थे तो उनके लिए भी ये काफी अच्छा ऑप्शन है। वैसे गाइस, अच्छी बात यह है कि पपीज जो है ये होम ब्रीडिंग है, इनकी काफी अच्छे से केयर की जा रही है और उन्होंने इनकी डिफॉर्मिंग भी कर दी है। वैसे गाइस, पपीज को परचेज करने के बाद उनकी वैक्सीनेशन के साथ साथ उनकी डिफॉर्मिंग का भी जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि पपीज की ग्रोथ के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो पिटबुल एक वन ऑफ दी एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है, और जो लोग इन्हें अपना टाइम नहीं दे पाते, इन्हें वॉक एंड एक्सरसाइज नहीं करा पाते, वो लोग इनके लिए ट्रेडमिल का यूज करते हैं। तो अगर आप लोगों को क्रेज है पिटबुल रखने का और आप लोग टाइम नहीं दे पा रहे, तो भाई ट्रेडमिल आप लोगों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये चीज काफी लोग यूज करते हैं। वैसे भी देखा जाए तो पिटबुल की एनर्जी को वेस्ट कराना काफी जरूरी होता है। बाय द वे गाइस, अगर पपीज के क्वालिटी के बारे में बात करें तो पपीज बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, और मदर की जो हाइट और लेंथ है वो भी काफी अच्छी है। वैसे उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं कर रखा, बट मदर जो है ये मुझे स्टैंडर्ड साइज से थोड़ी बड़ी लग रही है, आई मीन एक्सेल साइज टाइप में। तो गाइस, ये जो पपीज हैं ये 29 डेज के हो चुके हैं, और ओनर की जो लोकेशन है वो है मेरठ उत्तर प्रदेश से। और हाँ गाइस, बहुत से लोगों के मेरे पास इसलिए कॉल आते हैं कि भाई हमने एक नया पपी परचेज किया है तो हम उसे खाने में क्या दें। तो गाइस, सबसे पहले तो जहाँ से आप लोग परचेज करो वहाँ से डाइट प्लान के बारे में जरूर कंफर्म कर लें। तो अगर आप लोगों को डॉग्स की डाइट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो भाई आप लोग उन्हें कुछ भी उल्टा सीधा खाने को ना दें। तो फ्रेंड्स, इन पपीज की मदर को तो आप लोग देख ही चुके हैं, जो कि आप लोगों के सामने है, तो अब मैं आप लोगों को इनके फादर से ही मिलवा देता हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये है इन पपीज के मदर और फादर। भाई फादर की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता कि क्वालिटी में आप लोगों को कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी मेरी इन्फॉर्मेशन के अलावा आप लोगों को कुछ भी पूछना तो डायरेक्ट डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट करके आप लोग डिस्कस कर सकते हो, नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, पपीज की एज और लोकेशन तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूं। तो अगर बात करें डिलीवरी के बारे में, तो भाई वैसे तो अगर आप लोग डायरेक्ट ओनर को विजिट करके इन पपीज को परचेज करो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ओनर आप लोग को ज्यादा दूर तो डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करा सकते, बस आसपास के एरियाज में आप लोग को डिलीवरी मिल जाएगी। वैसे अगर आप लोग को पूरे लीटर में से एक बेस्ट पपी चूज करना है तो आप लोग को डायरेक्ट ही जाना चाहिए। तो चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं इन पपीज के प्राइस के बारे में। तो भाई क्वालिटी तो पपीज की देख ही चुके हो, जो कि बहुत ही अच्छी है। तो उन्हें जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की 9000 पीस 9000 रुपए, एंड फीमेल की जस्ट 7000 पीस यानी 7000 रुपए। बट डोंट वरी गाइस, उन्होंने प्राइस फिक्स नहीं रखा है, तो बार्गेनिंग करके आप लोग इसमें से कितना प्राइस कम करा सकते हो ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। बाकी अगर वीडियो भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। तो मिलता हूं आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।